नशा मुक्ति को लेकर के लगातार अभियान राज्य सरकार के स्तर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के स्तर से लगातार चलाए जा रहे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलों का भ्रमण किया है, समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों से संवाद किया है, लोगों को जागरूक किया है कि नशा, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, शराब हो या अन्य किसी भी तरह की लत हो, उससे बाहर निकलना चाहिए। अगर अभी भी लोग और युवा वर्ग के खास करके युवक युवतियाँ अगर जुड़े हुए हैं तो उनको इससे निकलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ना अपने को इससे बर्बाद करते हैं, अपने शरीर को, अपने तन मन को, बल्कि पूरे परिवार को एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरे परिवार की शांति को वो बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ इनको समझना होगा। और जो अभी रास्ता भटक चुके हैं, हम लोगों का, सिविल सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, सबका दायित्व है कि हम लोग उनको प्रेरित करें कि वो इससे बाहर निकल करके जो उनकी एनर्जी है उसको वो चैनलाइज करें, पॉजिटिव कामों में लगाएं। और उसी कड़ी में आज का जो ये प्रयास है, विभिन्न सामाजिक संगठन और प्रभात खबर ने जो ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसका निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भागलपुर शहर में और पूरे ज़िले में पड़ेगा। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएँ हैं सारे स्टेक होल्डर्स को, प्रभात खबर। ये भागलपुर की जनता है, मैंने कल भी कहा था कि भागलपुर की पूरी जनता अच्छे कामों में एक साथ लग जाती है। और आपने देखा अभी कि जो लाइन लगी हुई थी जब हम कोतवाली के अंदर घुस रहे थे तो हमारा दो तीन ग्रुप अभी भी घंटाघर में स्कूल में था, वो लाइन में लगा हुआ था। तो ये भागलपुर की जनता है, यानी कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी अच्छा काम हो तो भागलपुर उसमें एक है। और यही भागलपुर की शान है। हम लोगों ने ठाना है कि नशा को ना, मुस्कुराते हुए भागलपुर को हाँ, और स्वस्थ स्वच्छ खुशहाल भागलपुर हमारा नारा है। हम सभी मीडिया कर्मियों को, इसमें शामिल एक एक सदस्य को, एक एक समिति के सदस्य को, एक एक स्कूल के बच्चे और उसके प्रिंसिपल और अभिभावक को हम धन्यवाद देते हैं। और ये कहते हैं कि आप अपने घर में इस अभियान को लेकर जाइए, हर बच्चा अपने घर में अपने अभिभावक को कहे कि नशा को ना कहना है, नशा को हाँ नहीं कहना है, ताकि हर घर में खुशियाँ हो। जब खुशहाल होगा समाज तो निश्चित तौर पर हर आदमी बेहतर हो जाएगा। और ये बुनियादी तौर पर इस काम को करना है, एक एक घर से इस काम को करना है। और ये आज भागलपुर ने दिखाया। मैं पुनः कहूँगा धन्यवाद, प्रणाम और आभार भागलपुर। आज का कार्यक्रम जो है प्रभात खबर की तरफ से जो है रखा गया था नशा मुक्ति का, और ये नशा मुक्ति बहुत ही हमारे समाज में एक कुरीति बन चुकी है। और इसे जो है जब तक जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि आप हाल फिलहाल देख रहे हैं कि इसके वजह से कितने घरों के, कितने महिलाएं जो है, कितने महिलाओं का मन सुना हो गया, कितने की गोद छूनी हो गई। तो इस तरह से जो है इसमें जब तक हम लोग इसमें पूरी तरह से नहीं लगेंगे नशा मुक्ति में, नशा मुक्त हमारा भागलपुर नहीं होगा। हमारा बिहार को नशा मुक्त करना है, इस अभियान में हम लोग प्रभात खबर के माध्यम से आए यहाँ पे आए। जनता से क्या अपील रहे? जनता से अपील है कि हमें नशा मुक्त करें, हमारे शहर को नशा मुक्त किया जाए। नशा मुक्ति अभियान के तहत आज पूरा शहर इकट्ठा हुआ है और ये संदेश दिया जा रहा है कि आप नशे से दूर रहें। नशा ना तो आपके लिए अच्छी बात है, ना आपके परिवार के लिए। अभी हाल के दिनों में कितने लोग मर गए बांका और भागलपुर ज़िले में, जहरीली शराब पीने से लोग मरे। और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि हमारा समाज और हमारा परिवार कमज़ोर होता है। इसलिए हर हाल में नशे से उन्मूलन बहुत ज़रूरी है। और नशा व्यक्ति को पूर्ण तौर पर बर्बाद करके छोड़ता है, इसलिए आप नशे से दूर रहें। जनता से क्या अपील रहेगी? परिवार और खुद को सुरक्षित रखें। क्या जनता से क्या अपील रहेगी? यही जो मैंने कहा कि हर हाल में आप नशे से दूर रहें। नशा आपकी सेहत को और आपके परिवार को तबाही की ओर ले जाएगा। नशे से मुक्ति का जो ये अभियान है ये बहुत ही सराहनीय है। आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ। आज प्रभात खबर स्थानीय अखबार के द्वारा आज नशा मुक्त अभियान जन जागरूकता अभियान चलाया गया और प्रभात फेरी निकाली गई। इस अभियान में शहर के बहुत प्रबुद्धजीवी, महिलाएं, बच्चे, युवा और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। और आज की आवश्यकता है कि भले बिहार में शराबबंदी लागू हो चुका है और इसके लिए कानून भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी यदा कदा इधर उधर से खबरें मिलती हैं कि लोग शराब के सेवन से लोग अकाल काल के गाल में समा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता की नितांत आवश्यकता है और उसके लिए सबों को जागरूक
के साथ मिलकर समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो आज इसी मुहिम में हम सब लोगों ने सहयोग किया और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार जागरूकता से नशा मुक्ति संभव। आज का प्रोग्राम प्रभात खबर के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर है और जैसा कि जानते हैं नशा मुक्ति बिहार में है कि नशा बंद होना चाहिए। नशा से खराबी होता है, लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, घर परिवार का चिंता छोड़ देते हैं और यहां तक कि बीमारियों ने भी डेरा बसा लेता है। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार जागृति का काम करती है, आज हम लोग एक नाटक के द्वारा हम लोग पब्लिक को समझाने जाएंगे कि किस तरह से घर को बर्बाद करता है और किस तरह घर को ये अपाहिज बना देता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जीवन जागृति का ये पहल है और जनता से क्या अपील करेंगे सर? जनता से अपील करेंगे कि दारूबाजी यहाँ बंद है, नशा बंद है, तो आप इसको माने और धीरे धीरे आप इसको छोड़ने का करेंगे, ये जरूर छूटेगा और तभी आपका परिवार उन्नति की ओर जाएगा।